वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वार्डरोब का व्यू दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो की तरफ बने रहे, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड में, और जो नए हैं मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक के जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को फुल वॉच करें। ये वार्डरोब है पूरा एल शेप में, और ये वाला जो है आपका स्लाइडिंग डोर है, और ये जो है ये नॉर्मल डोर है जो हिंज पे आता है। तो देता हूँ आपको सर्दियों में वीडियो में। तो ये मैंने सारा शटर खोल दिया है वार्डरोब का। यहाँ पे लॉन्ग हैंगिंग के लिए है, और ये इनका शटर है, ये प्रोफाइल शटर है। इस पे ब्राउन कलर का ग्लास लगा हुआ है और ब्लैक कलर का प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल की फिनिश देखिए आप कितनी अच्छी है, ये हिंच है, ये प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल 1 इंच बाई 1 इंच में आता है, और ये आपका हैंडल सेम इसी तरह से ऊपर हैंगिंग के लिए, और ऊपर कुछ सामान रख दें आप स्टोरेज के लिए, और ये आपका ये क्रॉकरी के लिए, वॉच बेल्ट कुछ भी सामान आप इसमें रख सकते हैं, और इसमें ये फेल्ट लगा हुआ है फेल्ट, और ये नीचे हैंगिंग के लिए। ये आपकी एलईडी स्ट्रिप, ये एक साइड इसमें एलईडी स्ट्रिप डाली है क्योंकि क्लाइंट को एक साइड चाहिए था, दोनों साइड नहीं चाहिए था, वरना हम दोनों साइड देते हैं। और ये सेम प्रोफाइल, और इसमें भी सेम ग्लास, ये यहाँ पे हैंगिंग हो गया ऊपर स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे आपका 5 ड्रॉर है। इस ड्रॉर का साइज़ है 8 इंच, इसका 10 इंच, और ये सारा साइलेंट चैनल पे है, ये सारा साइलेंट चैनल है इसमें। और ये वाला इसमें सिर्फ सेल्फ लगा हुआ है, और ये भी यहाँ पे भी हैंगिंग रोड लगाए नहीं है, यहाँ भी हैंगिंग रोड के लिए है सेम स्पेस। ये एल सेम में है यहाँ पे, इसीलिए कॉर्नर का ही है। और ये स्लाइडिंग डोर हो गया आपका, ये स्टोरेज हो गया सारा, और ये एक शटर है, इसके अंदर लॉकर आएगा, और ये मल्टीपर्पस लॉक। और ये भी आपका हैंगिंग पर स्टोरेज के लिए, और नीचे 5 ड्रॉर, ड्रॉर का साइज वही है 8 इंच और 10 इंच का, इस पर साइलेंट चैनल लगा हुआ है सेम एलईडी लाइट वन साइड। और यहाँ पे हमारा ड्रेसर आएगा, अभी आया नहीं है, और ये ड्रेसर के लिए, और इस शटर में एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये स्लाइडिंग डोर हो गया, ये एक लॉक से दोनों शटर बंद रहा, इससे कोई भी शटर दोनों बंद हो गया। ये पूरा, और एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, सूर्य, ये सूर्य के साइड में ये आपका सूर्य हो गया, और ये इसलिए दिया हुआ कि इसमें कुछ स्मेल ना आए,
तो वो बाहर आ जाएगा। अगर ये बंद होता तो अंदर ही स्मेल ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए एक ग्रुप दिया हुआ है। फ्रेंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें, और जो नए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।